देखिए, अभी अगर वन नेशन वन इलेक्शन का बात कही जाता है तो हम लोग 2004 से, नवीन बाबू का जब सरकार बना 2000 में उड़ीसा में, 2004 से हम लोग एक साथ इलेक्शंस कर रहे हैं असेंबली और लोकसभा का। उसका मतलब हम लोग एक साथ हमारा हो रहा है, पिछले 2004 से कंटिन्यू हो रहा है, पिछले पांच इलेक्शन हो चुका है हमारा, तो हम लोग पहले से उसके आदि हैं। उड़ीसा के लिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो जब भी होगा हम लोग तो साथ कर ही रहे हैं। लेकिन ये देखना है कि सारे देश का एक साथ इलेक्शन कर सकेंगे क्या, उसको पर निर्भर करता है। क्योंकि आप देखिए, अभी झारखंड में चुनाव हुआ, हरियाणा में चुनाव हुआ, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, तो ये सब चुनाव उन लोग एक साथ नहीं कर सके, एक सब चुनाव को उन लोग एक साथ नहीं कर सके, उसके लिए गैप दिया गया। तो इसके वजह से हम लोग सोच रहे हैं कि एक साथ सारा देश का चुनाव क्या हो सकता है, ये क्या पॉसिबल है? पता नहीं उस बिल में क्या है, बिल आने के बाद ही पता चलेगा, तो उसके बाद ही हम लोग कुछ कह सकते हैं कि क्या होगा नहीं होगा।